अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक हो? उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक हो। दोस्तों मेरे कुछ जो चूजे हैं ना वो थोड़े बीमार हो गए थे। मैंने गोड़ के पानी से इसकी फ्लैशिंग की थी लेकिन वो चूजे पूरा काम नहीं किया और इनके अंदर जो गेयर होती है ना वो रह गई है। कुछ जो दाने हैं ना वो अभी थोड़े वीक थे, मुझे महसूस हो रहा था कि ये इनकी फ्लैशिंग ठीक नहीं है और उनकी पोट भी खाली थी, इसलिए मैं गया हूँ बाजार और ये थोड़ी ना मेडिसिन लेके आया हूँ फ्लैशिंग वाली, एंटीबायोटिक को ठीक बोलते हैं, और ये मैं तैयार करने लगा हूँ अभी। तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये दो तरह के टॉनिक हैं और इनको सिरिंज के साथ एक सीसी आधा लीटर पानी में हम इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह ला के अपने चूजों को देंगे। इस वजह से मैं अभी ये बनाने लगा हूँ तो सोचा चलो दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूँ। दोस्तों ये जो ढेर होती है ना, ये एक जब चूजा लेके आते हैं ना इसकी फ्लैशिंग ना होना तो फिर बहुत नुकसान होता है। अभी तक मेरे जो नुकसान हुआ है 5 चूजे जो है ना वो चूजे ज़ाया हुए हैं, तो मुझे अभी थोड़ा दिन में कुछ थोड़ा महसूस हुआ तो फिर मैंने जाके ये दवाई लेके आया। अभी मैं ये बनाने लगा हूँ तो सोचा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। दोस्तों एक सीसी लेना है इससे ज़्यादा नहीं रहा, और इसको कितने टाइम इस्तेमाल कराना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जब आप इसे कर लेना तो एक दो बार जो है ना सिरिंज से भी इसको लगा के तो निकाल दें ताकि जो सिरिंज में थोड़ी वगैरह की बचती है वो भी निकल जाए। तो ये ना पानी मैंने जो मिक्स किया है, पानी में दवाई मिक्स किया है, वो मैंने बाथरूम में डाल लिया है। और मेरे पास इस तरह के ना बड़े डब्बे थे, उनमें मुझे लगता पानी कम है तो ये पी नहीं सकेंगे आसानी से, इसलिए मैंने थोड़ा प्लेट में और इसमें डाल लिया मिट्टी के बर्तन में। अब मैं इनको कुछ वक्फे पे रख देता हूँ ताकि सब चूजे आराम से इसमें पी सकेंगे। दोस्तों अब जब फार्म में डालो ना चूजों में तो आराम से चला करें ताकि जो कोई भी चूजा जो है ना वो आपके पाँव के नीचे ना आ जाए। अगर आप तेज से चलेंगे तो ये छोटे होते हैं, पता नहीं चलता ये पाँव के नीचे आ जाते हैं, इसलिए एहतियात करनी है कि इस तरह कोई जो चूजा ना हो कोई नुकसान ना हो। दोस्तों काम सिर्फ पानी रख देने से हम लोगों का काम ख़त्म नहीं होता। आप लोगों ने कहना क्या है कि अब देखे ना तो तकरीबन तमाम चीज़ें जो है ना वो लेटे हो गए हैं, सोए हो गए हैं अभी, ठीक है? तो इनको लाएंगे, इनकी दौड़ लगाएंगे तो पता चलेगा। फिर उसके बाद जो चूजा जो सुस्त होगा उसको खुद पकड़ के
वो करेंगे पानी का मतलब पिलाएंगे उसको, दवाई पिलाएंगे। इसको पकड़ के तो वो भी पहले पानी पिला देते हैं, ये पहले सामने आ गया। जब जब दोस्तों आप पकड़ते हैं ना तो ऐसे पकड़ते हैं तो ये दूसरे जो चूजे होते हैं इसके जो पोंछे होते हैं ना वो नोचते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरा चूजा जो है ना जो आपके हाथ में है उसका पोंछा जो है ना वो जख्मी ना करे, क्योंकि आप जब आते हैं घर में तो हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इधर तो तकरीबन ठीक है, इधर लेटा हुआ है। ये तो ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह।